ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रूल्स ऑफ द प्रेपोजिशन, सबसे पहला रूल क्या है प्यारे बच्चों कि, ठीक है, कि अ प्रेपोजिशन कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब, ठीक है। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रूल है कि जब भी हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे भी प्रेपोजिशन लगाएंगे, तो उसके बाद आप किसी तरह की वर्ब नहीं लगाएंगे, यानी कि किसी तरह की क्रिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप उसके बाद क्रिया लगाते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस, या आपको उस क्रिया या वर्ब को बदल के किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्जन उसका हो जाएगा, ठीक है। तो जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आईएनजी फॉर्म उसमें लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एग्जाम्पल, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंकिंग, ठीक है। ये फ्रॉम क्या हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है लिखा मैंने कि ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ड्रिंक, ठीक है, हॉट वाटर ड्रिंकिंग, ठीक है, एकदम से आईएनजी का इस्तेमाल हो जाएगा, ड्रिंकिंग हॉट वाटर। एंड ही इंसिस्ट ऑन ट्राइंग, ठीक है, ऑन ट्राई नहीं लिखा, ठीक है, ऑन ट्राइंग वंस अगेन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आप जब भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आप वर्ब, साधारण या सिंपल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे आप जेरंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। रूल टू कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, कौन सा रहेगा, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑफ द प्रेपोजिशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कैसा होगा, आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन दिया होगा, जिसमें कि आपके पास व्हाट, हु, हुम, व्हिच, वेयर एटसेट्रा आदि दिया होगा, तो उस प्रेपोजिशन को आप कैसे लिखेंगे, साधारणता, ठीक है, आप एंड और फ्रंट प्रेपोजिशन से उसका यूज करेंगे, जैसे कि मे आई नो हु वर यू टॉकिंग टू, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप या तो प्रेपोजिशन एंड में लिखेंगे, ठीक है, या उसका फ्रंट में लिखेंगे, जब आप हु और व्हाट एटसेट्रा का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ठीक है। तो जो हमारी ये प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रेपोजिशन आपकी अंत में इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल नंबर टू हो गया। इट यूज टू बी थॉट एज अनग्रामेटिकल टू एंड अ सेंटेंस विद अ प्रेपोजिशन, बट इट इज नाउ वेल एक्सेप्टेड, ठीक है। पहले क्या इसको ग्रामर के रूल के अगेंस्ट समझा जाता था, लेकिन आज की समय में या आज के दौर में इसको काफी ज्यादा एक्सेप्टेड किया गया है और काफी ज्यादा ये आम बोलचाल की भाषा में आ चुका है। उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है, ठीक है, कि रूल नंबर थ्री कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, जब आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रेपोजिशन को जिसके साथ यूज किया जाएगा या जिसके लिए यूज किया जाएगा, तो उस कंडीशन में अगर आपका प्रोनाउन कैसा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, दैट द प्रेपोजिशन टेक्स एंड्स अ पोजिशन, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, आपकी जो प्रेपोजिशन होगी वो लास्ट में जाके लगे, जैसे कि हेयर इज द मैगजीन दैट यू आस्क्ड फॉर, ये हमारी जो फॉर है दैट इज द प्रेपोजिशन, और इसका हमने अंत में इस्तेमाल किया है। उसके बाद आता है दिस इज द डिश दैट शी इज अ फॉन्ड ऑफ, ठीक है, तो ये जो ऑफ है, ठीक है, ये हमारी लास्ट में प्रेपोजिशन यूज हुई है, यानी कि ये वही डिश है जिसको, जो कि उसे या उस लड़की को ज्यादा पसंद है, शी इज फॉन्ड ऑफ, ठीक है, फॉन्ड होता है कि किसी के लिए ज्यादातर तरसना या ज्यादा उसके लिए लालायित होना, ठीक है, या उसकी ज्यादा डिमांड रखना, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप ऑफ का इस्तेमाल कर सकते। When the object of the preposition is infinitive, ठीक है, जिसमें कि आप two plus verb लगाते हैं, ठीक है, तो preposition is placed after infinitives, ठीक है, infinitives के बाद उसका इस्तेमाल किया जाएगा। This is a good hotel to stay at, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आप last में लिखेंगे, I need a pencil to write with, ठीक है, तो ये इसके rules हैं, ठीक है। In some sentences, preposition is attached with the verb. ठीक है, तो आप verb के साथ भी किसी या कोई कई तरह की preposition का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि I hate being laughed at. ठीक है, या this I insist on. ठीक है, and in interrogative sentences, preposition comes in the beginning. ठीक है, जब आप interrogative sentences बनाते हैं, तो उसमें
हम जो प्रपोजिशन है वो सबसे पहले लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा बाय विच ट्रेन डिड यू कम, ठीक है, आप किस ट्रेन के द्वारा यहाँ पे आए, आप ऐसे लिखेंगे कि विच ट्रेन डिड यू कम हेयर, ठीक है, तो ऐसे लिखना या बाय आप एंड में नहीं लिख पाएंगे या बीच में मिड में नहीं लिख पाएंगे, आपको जो ये प्रपोजिशन है ठीक है ये कहाँ लिखनी है, इन फ्रंट में लिखनी है, जो आपका क्वेश्चन टैग है ठीक है उससे पहले लिखनी है। जैसे यहाँ लिखे फॉर हुम वाज इंस्ट्रक्शन गिवन, ठीक है, या आप बोलते फॉर हुम, आप इस तरह से कोई सेंटेंस है फॉर हुम आर यू लुकिंग, ठीक है, तो आप इस तरह से जब लिखेंगे और हुम आर यू लुकिंग, आप किसको देख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपकी जो प्रपोजिशन है वो आपकी सबसे पहले आएगी, यानी कि इस क्वेश्चन वर्ड से पहले आएगी, डब्ल्यू एच वर्ड से पहले आएगी, तो ये हमारे पास ये वाला भी रूल एंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज यूज एंड एग्जांपल ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन, जैसे कि एट, इन, ऑन, अगर हम इसको टाइम के अकॉर्डिंग रेफर करेंगे तो एट कैसे यूज किया जाएगा, एट इज यूज फॉर अ प्रिसाइज टाइम, ठीक है, जब हम प्रिसाइज या स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम एट का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम बात कर रहे हैं इन की तो इन हमारे पास टाइम में, जैसे कि हम मंथ की बात करें या कोई इयर्स की बात करें या कोई सेंचुरीज की बात करें या लॉन्ग पीरियड की बात करें तो हम उस कंडीशन में इनका इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू द प्लेस तो हम देखिए एट इज यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, इन इज यूज फॉर द एनक्लोज्ड स्पेस या ऑन इज यूज फॉर द सरफेस, ठीक है, so at shows a stationary position or existing state while in showing movement, ठीक है, example के लिए कि she is at home, ठीक है, तो देखिए जो आपका at का इस्तेमाल हुआ है according to the sense of time, ठीक है, या आप place के according देखिए तो दोनों condition में at का इस्तेमाल किया जाता है, time के लिए भी किया जाता है और आपका place के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो जब हमने इसको लिखा कि शी इज एट होम, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो प्लेस के लिए यूज हुआ है और वो अपने घर पर है, एंड द ट्रेन इज इन मोशन, ठीक है, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये ज्यादातर मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है या ये किसी तरह का मोशन को एक्सप्रेस करता है, जब हम इन प्रपोजिशन लगाएंगे तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई मूवमेंट होनी जरूरी है, और अगर हम बात करते हैं एट की तो ये ज्यादातर स्टैटिक रहता है, स्टेशनरी रहता है, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें आप कह सकते हैं कि ये ज्यादातर इसका इस्तेमाल प्लेसेस के संदर्भ में किया जाता है। उसके बाद है एट फॉर सम प्लेसेस टाउन एटसेट्रा वाइल इन फॉर बिग प्लेसेस टाउन सिटी एंड कंट्री एटसेट्रा, ठीक है, जो हमारे पास छोटा होगा छोटे प्लेस के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे और बड़े प्लेस के लिए हम इनका इस्तेमाल करें। अब छोटे और बड़े का डिफरेंस कैसे देखना है, जैसे कि सपोज करिए मैं लिख रहा हूँ कि एट शिमला, ठीक है, एट शिमला इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और इसी तरह से लिख रहा हूँ कि एट, ठीक है, एच पी इन एट एच पी इन इंडिया, ठीक है, तो इस तरह से जब हमने लिखा, ठीक है, जब मैंने इंडिया की बात की तो एच पी के सामने मेरे को क्या यूज करना पड़ा, एट का इस्तेमाल करना पड़ा, और जब मैंने हिमाचल की बात की तो शिमला के सामने मैंने एट का इस्तेमाल किया, क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश से छोटा प्लेस है और जो एचपी है वो इंडिया से छोटा प्लेस है, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया, द कंट्री का एक भाग है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जबकि पूरी कंट्री नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इस्तेमाल एट और इनका छोटे और बड़े प्लेसेस को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। उपसो कि यहाँ तक आपको सभी तरह से जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे, अगर किसी को फिर भी लगता है तो वो आराम से पूछ सकता है। इसके एग्जांपल की अगर बात करें कि ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, ठीक है, जो अलवर है वो एक छोटा सा शहर है और राजस्थान इज अ ग्रेट सिटी, ठीक है, इसी तरह से अगर लिखे कि अ टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन चेन्नई, ठीक है, तो यानी देखिए चेन्नई बड़ी स्टेट है, पूरी स्टेट है और मदुरई एक शहर है, ठीक है, तो इस तरह से आप छोटे और बड़े प्लेसेस को मद्देनजर रखते हुए अपना एट और इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एट की बात फिर से करें, फर्दर बात करें, तो एट इज यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम एंड इन इज यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है,
यानी कि जब हम एट की बात करते हैं वो किसके लिए ज्यादातर समय यूज होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए, और अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो इन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि द ट्रेन विल अराइव एट 6 इन द मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है या कोई पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो मॉर्निंग है, ठीक है। मॉर्निंग आप सुबह 4 बजे भी मॉर्निंग है, 5 बजे भी मॉर्निंग है, 10 बजे भी मॉर्निंग है, 11 बजे भी मॉर्निंग है, ठीक है, और 11:30 बजे या 11:45 तक आपकी मॉर्निंग ही चलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से अब जब हम बड़े समय की बात करते हैं या लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो उस समय हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम कोई स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं तो उस समय हम एट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कि ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, तो इस कंडीशन में भी हमने एट और इनका इस्तेमाल किया। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि जो नेस्ट रूल है इनटू और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ टर्न टू द राइट, ठीक है, या डेस्टिनेशन आई एम गोइंग टू जयपुर, ठीक है, या आप लिखे अंटिल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विद द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर कहीं पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किया है तो भी उसमें आप लिख सकते हैं प्लीज गिव मी गिव इट टू मी, ठीक है, कि कृपया इसे मुझे दे दीजिए, या कहीं पे ऑर्डर को शो करना है इन ऑर्डर टू, ठीक है, तो आप उस कंडीशन में भी इसको लिख सकते हैं। जैसे वी वेंट टू द स्टोर टू बाय सोप, ठीक है, या आप चेंज ऑफ द कंडीशन, किस तरह की कंडीशन चेंज होती है, बदलाव आता है, तो उसमें भी लिख सकते, जैसे द बॉय चेंज्ड इनटू अ मैन, ठीक है, कि वह जो बच्चा था वो अब मैच्योर पर्सन बन चुका है। तो उस तरह की पोजिशन में भी हम इनटू का यूज करते हैं और इनटू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अलग है, ठीक है, आगे वाला एग्जाम्पल इसको हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स टू अटेंड दिस क्लास।